Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is me, Tahreem Saleem Kasiri. How are you, students? I hope you are also fine. Okay. Today is your ICT class online with smart computing. तो आप लोगों की जो ऑनलाइन का शेड्यूल है वो दोबारा से रीस्टार्ट किया गया है. तो आज आप लोगों की फर्स्ट क्लास है फाइनल टर्म की. आई होप सो जिस तरीके से आपको क्लास में समझ आता था इसी तरीके से आपको ऑनलाइन में भी समझ आएगा. ओके तो रीशेड्यूल स्टार्ट हुआ है आप लोगों का ऑनलाइन क्लासेस के लिए फॉर योर हेल्थ. ठीक है तो ख़ास तौर पर अपना सेहत का ख्याल रखें और स्टार्ट लेते हैं हम अपनी क्लास से. स्टार्ट ले रहे हैं और जहाँ तक आपका जो सिलेबस कवर हो चुका था उसके आगे से स्टार्ट लेंगे. तो आज आपकी फर्स्ट क्लास है ऑनलाइन ऑनलाइन में. तो क्लास 5 के स्टूडेंट से आईसीटी की क्लास है आज आप लोगों की. तो स्टार्ट लेते हैं आपके नेक्स्ट चैप्टर से. तो आपका जो नेक्स्ट चैप्टर है तो सबसे पहले हम मूव करते हैं इंडेक्स की तरफ. चैप्टर नेम है विंडोज़ 7 एक्सेसरीज. तो इसकी लैब मैंने आपको करवाई थी. ठीक है तो उसी के हिसाब से हम आगे बढ़ेंगे. ठीक है तो पेज नंबर है इसका विंडोज़ 7 एक्सेसरीज़ का 64. तो 64 पेज नंबर पे मूव करते हैं. ओके और सबसे पहले इसके हम लर्निंग ऑब्जेक्ट पे जाएंगे कि लर्निंग ऑब्जेक्ट्स के क्या होते हैं कि आप कितने कैपेबल हो जाएंगे इस चैप्टर की रीडिंग के बाद. ओके तो लर्निंग ऑब्जेक्ट है इसके ये स्टार्ट ले रहे हैं लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स. ठीक है आफ्टर रीडिंग दिस चैप्टर यू विल बी एबल टू. ठीक है इस चैप्टर की रीडिंग के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि गो टू एक्सेसरीज क्रिएट डॉक्यूमेंट्स यूजिंग द नोटपैड यूज़ द वर्डपैड प्रोग्राम यूज़ द स्नैपिंग टूल्स यूज़ द स्टिकी नोट्स परफॉर्म द कैलकुलेशन यूजिंग कैलकुलेटर. ठीक है तो आप इस चैप्टर की रीडिंग के बाद और इस चैप्टर को वर्किंग के बाद इस काबिल हो जाएंगे कि आप क्या एक्सेसरीज के बाद इजीली जा सकेंगे अपना डॉक्यूमेंट्स आप खुद बना सकते हैं. ठीक है और वर्ड पैड नोट पैड स्नैपिंग टूल्स स्टिकी नोट्स क्या होते हैं वो आप इसका यूज़ आप करेंगे और इसके अलावा कैलकुलेशन किस तरीके से परफॉर्म की जाती है एक कंप्यूटर के अंदर वो आप सीख जाएंगे. ठीक है तो स्टार्ट लेते हैं रीडिंग से. एक्सेसरीज आर स्पेशल प्रोग्राम्स डेट हेल्प्स अस टू डू मैनी टास्क सच एज वर्ड प्रोसेसिंग पेंटिंग ईटीसी. देयर आर मैनी प्रोग्राम्स रिगार्डिंग दीज यूजफुल एंड इंटरेस्टिंग एक्सेसरीज अबाउट विच वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस चैप्टर. दीज प्रोग्राम्स आर नॉट पैड वर्ड पैड स्नैपिंग टूल्स कैलकुलेटर ईटीसी. उसकी ट्रांसलेशन की तरफ मूव करते हैं कि एक्सेसरीज क्या होते हैं इसका स्पेशल प्रोग्राम्स होते हैं. ठीक है जो आपके टास्क में जो भी आपकी प्रोसेसिंग वगैरह होती है वर्क की उसको करने में मदद देते हैं चाहे आपके वर्ड प्रोसेसिंग हो पेंटिंग हो. ठीक है इसके अलावा और भी प्रोग्राम्स होते हैं कि और वो प्रोग्राम्स कौन से होते हैं वो ये हैं कि वो आपके नोट पैड हैं वर्ड पैड है स्नैपिंग टूल्स हैं. ठीक है कैलकुलेटर्स हैं ये तमाम एक्सेसरीज में शामिल होते हैं. ठीक है इसके बाद है टू गो टू द एक्सेसरीज फॉलो द गिवन स्टेप्स. ठीक है हम एक्सेसरीज पर जाने के लिए इन प्रोसीजर को फॉलो करना होगा. तो सबसे पहला पॉइंट है क्लिक ऑन द स्टार्ट बटन. स्टार्ट बटन आपके डेस्कटॉप जब आप कंप्यूटर ऑन करते हैं. ठीक है जो फर्स्ट स्क्रीन होती है उसे बोलते हैं डेस्कटॉप. ठीक है तो डेस्कटॉप की फर्स्ट स्क्रीन होती है और इसके बॉटम पे होता है लेफ्ट कॉर्नर पे स्टार्ट बटन ये रहा. ठीक है लेफ्ट कॉर्नर पे स्टार्ट बटन है इस पर हमने क्लिक करना है. इसके बाद ना सेलेक्ट ऑल प्रोग्राम. तो जब हम स्टार्ट प्रोग्राम पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक मेन्यू आ जाएगा. ठीक है इस तरीके से तो वहाँ पे लिखा हुआ है ऑल प्रोग्राम. ठीक है ऑल प्रोग्राम पे जाने के बाद थर्ड पॉइंट है क्लिक ऑन एक्सेसरीज. ठीक है ऑल प्रोग्राम पे जाने के बाद हमने किस पे जाना है एक्सेसरीज पे जाना है. ठीक है ऑल प्रोग्राम पे क्लिक करेंगे तो आपके नेक्स्ट पेज पे एक पिक्चर दी हुई है यहाँ पे. ठीक है ये एक्सेसरीज है तो थर्ड पॉइंट ये रहा आपका सही. इसके बाद पॉइंट नंबर 4 है अ ड्रॉप डाउन लिस्ट ऑफ मेन्यू स्क्रीन अपेयर्स. इसके बाद आपके पास एक मेन्यू स्क्रीन अपेयर हो जाएगी एंड चूज द ऑप्शन डेट यू वॉन्ट टू यूज़. और आपको अपनी मर्जी से कोई भी ऑप्शन चूज करना है जो आप यूज़ करना चाहते हैं. तो हमें कौन सा ऑप्शन यूज़ करना है नोट पैड का. ठीक है तो हम नोट पैड पर क्लिक करेंगे तो इस तरीके से नोट पैड का एक पेज सामने आ जाएगा सही. तो जब नोट पैड का पेज सामने आ जाएगा तो उसके कुछ फंक्शंस होते हैं. ठीक है इस तरीके से तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे नोट पैड क्या होता है और उसके फंक्शंस क्या हैं. Notepad is a basic text editor that you can use to create simple documents. You can easily view or edit the text. Dot ये इसकी extension है. ठीक है files the start to start Notepad follow the given step. Point number 1 select the start all program accessories. ये तीनों point starting के same वही है जैसे हमने
एक्सेसरीज को मतलब जे नॉट पैड हमने ओपन किया था वैसे तरीके का, ठीक है। यहाँ तक हमने पढ़ा था 3 पॉइंट्स तक, ठीक है। तो यहाँ पे डायरेक्ट ये बता दीजिए, सेलेक्ट द ऑल प्रोग्राम, सेलेक्ट द स्टार्ट बटन, ऑल प्रोग्राम एंड एक्सेसरीज, ठीक है। तो तीनों पॉइंट को मार्च कर दिया यहाँ पे। इसके बाद है नेक्स्ट पॉइंट, सेलेक्ट एंड क्लिक नॉट पैड फ्रॉम द सब मेन्यू एज शोन इन द फिगर 7.1B, ठीक है। इसके बाद है नॉट पैड विंडो विल बी डिस्प्लेड ऑन योर स्क्रीन, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे हमने पढ़ा है, सही। तो अब ये स्क्रीन आपके सामने आ जाएगी, ठीक है। तो अब देखिए, फर्स्ट जो आपका जो बार है उसे कहा जाता है टाइटल बार, सही। इस टाइटल बार में आपने जो भी एप्लीकेशन ओपन की उसका नेम मेंशन है, ठीक है। टाइटल बार के बिलो आपको दिया जाएगा मेन्यू बार, ठीक है। मेन्यू बार में क्या क्या है, फाइल टैब, एडिट टैब, फॉर्मेट टैब, व्यू टैब एंड हेल्प टैब, ठीक है। इन फंक्शंस को भी हम आगे जाके डिलीट करते हैं। तो ये क्या है, इसका फर्स्ट स्क्रीन है। इसके बाद यहाँ पे कुछ बटन दिए हैं जिसे कहा जाता है मिनिमाइज, मैक्सिमाइज एंड क्लोज बटन, ओके। मिनिमाइज से आपकी फाइल क्या हो जाती है, हाइड हो जाती है, ठीक है, आपके टास्क बार पे हो जा वहाँ शो हो जाती है। इसके बाद मैक्सिमाइज से आपकी फाइल का जो साइज़ है वो चेंज होता है, रीस्टोर कर सकते हैं इसको। और क्लोज, इससे फाइल आपकी क्या हो जाएगी, क्लोज हो जाएगी, ठीक है। मूव करते हैं आगे, टाइटल बार के बारे में पढ़ते हैं। टाइटल बार इज प्रेजेंट एट द टॉप ऑफ द विंडो, इट डिस्प्ले द नेम ऑफ द डॉक्यूमेंट, इट कंटेन्स 3 buttons, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज एंड क्लोज बटन, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया टाइटल बार के बारे में, और उसमें 3 buttons शामिल होते हैं, ठीक है। इसके बाद है एक और बटन है नेम ऑफ द डॉक्यूमेंट, ये रहा, ठीक है। और यहाँ पे सामने, सही, मूव करते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ, एडिट मेन्यू, ठीक है। एडिट मेन्यू में क्या क्या होता है, एडिट मेन्यू कंटेन्स द ऑप्शन सच एज कॉपी, पेस्ट, डिलीट, etc. टू कॉपी द टेक्स्ट, पॉइंट नंबर 1, सेलेक्ट द टेक्स्ट विच यू वांट टू कॉपी, पॉइंट नंबर 2, सेलेक्ट एडिट अ सब मेन्यू, अ सब मेन्यू स्क्रीन अपीयर्स, पॉइंट नंबर 3, सेलेक्ट एंड क्लिक कॉपी, पॉइंट नंबर 4, मूव द कर्सर टू द प्लेस वेयर यू वांट टू कॉपी द टेक्स्ट, पॉइंट नंबर 5, सेलेक्ट एडिट एंड क्लिक ऑन पेस्ट, पॉइंट नंबर 6, द सेलेक्टेड टेक्स्ट इज कॉपीड एज डिजायर्ड एट द न्यू लोकेशन, ठीक है। अब मैं आपको उसको ट्रांसलेशन करके बता रही हूँ कि सबसे पहले इसमें क्या करना है, ठीक है। तो अगर हमें कॉपी करना है किसी भी टेक्स्ट को, तो हम क्या करेंगे, हमने कुछ यहाँ पे राइट किया हुआ होगा, ठीक है। तो वहाँ पे उस चीज जो भी आपने राइटिंग लिखी हुई है, ठीक है, टाइपिंग की हुई है, तो उस टाइपिंग की सबसे पहले हमने सिलेक्शन करनी है, ठीक है। क्या करना है, सेलेक्ट द टेक्स्ट, ठीक है। सेलेक्ट करने के बाद आपने कहाँ कौन से टैब में जाना है, एडिट टैब में, ठीक है। एडिट टैब में जाने के बाद हमने किस चीज़ की सिलेक्शन करनी है, कॉपी की, ठीक है। कॉपी पे क्लिक कर देना, जब हम कॉपी पे क्लिक करेंगे ना, तो जो भी आपने यहाँ पे सिलेक्शन की होगी, जो भी टाइपिंग की हुई होती है, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, आपका सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब कॉपी करने के बाद मूव द कर्सर टू वॉन्ट वेयर यू वॉन्ट टू कॉपी द टेक्स्ट, ठीक है। अब आपने अपना कर्सर, ठीक है, जब हम नोट पैड ओपन करते हैं तो ये आई का साइन होता है, इस तरीके से आपका कर्सर आएगा या फिर ऐसे, ठीक है। तो ये कर्सर आप जहाँ भी मूव करेंगे वहाँ पे आपकी पेस्टिंग हो जाएगी, ठीक है। आपका जो माउस है, ठीक है, इस माउस से मूव करते हुए, ठीक है, आपका कर्सर मूव होगा, सही। ये एरो, ठीक है, ये एरो है, जब हम नोट पैड पे या वर्ड पे हम कोई काम करते हैं तो ये कर्सर इस तरीके से होता है, ठीक है, और ये एरो, ओके। तो आपने अपने माउस से, माउस आपके हैंड में होगा, सिर्फ होल्ड किया हुआ, ठीक है, और आपने किस तरीके से मूव करना है, ये आपका माउस है, सही। माउस बनाने के बाद, माउस, सही। अब ये जो आपका लेफ्ट क्लिक बटन है, इस बटन से आपकी सिलेक्शन होंगी, सही। सिलेक्शन करनी है आपको, और माउस को होल्ड रखना है और फिर ड्रैग करना है, ठीक है। इसके बाद है पॉइंट नंबर 5, एडिट एंड क्लिक द पेस्ट, ठीक है। अगेन आपने कहा जाना है एडिट टैब में जाना है, एडिट टैब में जाने के बाद यहाँ पे लिखा हुआ है पेस्ट का ऑप्शन, सही। जब आप सिलेक्शन करोगे कॉपी, तो ये पेस्ट का जो ऑप्शन है वो अपेयर हो जाएगा, ठीक है। अभी ये अपेयर नहीं है, तो ये वो क्या हो जाएगा, ये सामने शो होने लग जाएगा, ठीक है, तो ये भी एक्टिव नहीं है, सही। जब सिलेक्शन हो जाएगी, कॉपी हो जाएगी, तो ये जो पेस्ट का ऑप्शन है वो एक्टिव हो जाएगा। एक्टिव होने के बाद आपने इस पर क्लिक करना है, और क्लिक आपने जो कॉपी किया होगा वो आपके साथ सामने पेस्ट हो जाएगा, ओके। आई होप आपको यहाँ पे यहाँ तक अच्छे से समझ आया होगा, सही। इसके बाद है नेक्स्ट पॉइंट, टू मूव द टेक्स्ट डू द फॉलोइंग स्टेप, अगर आपके टेक्स्ट को मूव करना है, ठीक है,
पहले हमने कॉपी किया था, कॉपी का मतलब होता है कि एक यहाँ पे भी टाइपिंग आपकी भी और सेकंड लाइन भी सेम कॉपी हो जाएगा, ठीक है। और मूव का मतलब है कि एक जगह से हटा के इसको दूसरी जगह पे पेस्ट कर देना है। अगर आपने यहाँ से कोई चीज़ हटा दी है, सही है, तो उसको आपने कट कर दिया यहाँ से, कट करने के बाद उसको यहाँ नीचे ला के पेस्ट कर देंगे, इट्स मीन ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे आके मूव हो जाएगा, सही। तो सेम मेथड है इसका भी, और जस्ट हमने कॉपी की जगह पे क्या कर देना है, मूव को कर देना है या कट, सही। यहाँ पे कट ऑफ लिखा हुआ है और यहाँ पे क्या है, मूव, सही। तो मूव का मतलब कहता है कि हमें एक जगह से दूसरी जगह पे पेस्ट करना है, और कट भी यही है। तो उसकी हम डिटेल पढ़ लेते हैं किस तरीके से। ये पॉइंट नंबर 1, सेलेक्ट द टेक्स्ट दैट यू वांट टू मूव। पॉइंट नंबर 2, सेलेक्ट एडिट एंड क्लिक ऑन कट। पॉइंट नंबर 3, नाउ मूव द कर्सर टू द प्लेस वेयर यू वांट टू मूव द टेक्स्ट बाय यूजिंग कर्सर कीज। सेलेक्ट एडिट एंड क्लिक ऑन पेस्ट। द सेलेक्टेड टेक्स्ट इज मूव टू द न्यू लोकेशन। अच्छा, एक और यहाँ पे एक बात इन्होंने बताई कि यूज़ द एरो कर्सर कीज, ठीक है। तो कर्सर कीज के ज़रिए आप भी कर सकते हैं, सही है। तो ये आपका कर्सर कहलाता है। थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि क्या है कर्सर, है सही, इस तरीके से दिया जाएगा। तो सेम मेथड है, ठीक है। एडिट में जाना है, कट पे क्लिक करना है, सबसे पहले सिलेक्शन करनी है, कट पे क्लिक करना है। कट पे क्लिक करने के बाद अगेन आपने अपने टाइपिंग एरिया में जाना है, और फिर वहाँ पे क्या करना है, उस जगह पे अपना कर्सर लेके जाना है जहाँ पे आपको उसको मूव करना है, ठीक है। अब फर्स्ट करें यहाँ पे 2-4 लाइनें आपने लिखी हुई हैं, ठीक है। जब यहाँ 2-4 आपकी लाइन्स हुई भी होंगी तो उसको आपने नेक्स्ट जगह पे पेस्ट करना है। तो आपने वहाँ से इसकी सिलेक्शन की, कट किया वहाँ से इसको, और अपना कर्सर नीचे लेकर आ गए और वहाँ पे कर्सर पे क्लिक कर दिया, ठीक है। क्लिक करेंगे और फिर दोबारा एडिट में जाके इसको पेस्ट कर देना है, सही। तो ये तो यहाँ पे ये आपका मूव का और कॉपी का एक्सप्लेनेशन थी जो मैंने आपको अच्छे से समझा दी। आई होप सो आपको भी समझ आ गया होगा। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखें, और जो आपको रीडिंग मैंने करवाई है उसे अच्छे से पढ़ें, और जो प्रैक्टिकल आज की क्लास यहीं पे एंड की जाती है। आई होप सो आपने जो भी ही मुझसे सुना वो अच्छे से आपको समझ आया होगा, ठीक है। जो एक्सप्लेनेशन दी मैंने आपको नोटपैड के आपके चैप्टर के हवाले से, वो आप उसको अच्छे से नोट डाउन कीजिएगा। और जो चीज़ अगर फिर भी आपको नहीं समझ आती है तो आप अंडरलाइन करके क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। और इसके हवाले से जो हमारी लैब हुई थी तो उसको भी आप रिमाइंड कीजिएगा कि आपने क्या क्या सीखा था। तो इंशाल्लाह जब हम नेक्स्ट क्लास में इसको आगे से कंटिन्यू करेंगे, तब तक के लिए जो भी आपको मतलब जो भी आपके दिमाग में क्वेश्चन हैं उसे आप नोट डाउन करके और अपने पास रखें, और फिर शायद नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, सी।